ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज की दो किस्म, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और लेटर इन्वर्शन। ये फिजिक्स के लेसन के, लाइट के लेसन के पार्ट्स है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? कोई भी चीज जो लाइट दे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच गिव्स लाइट, gives light or produce light, that is same thing, or reflects light. Light. जो भी कोई चीज light दे या reflect करे light को उसको हम object कहते हैं। Object हमें diminished भी हो सकता है, छोटा सा जो वेरी फार होता है, जो बहुत दूर होता है वो डिमिनिश्ड होता है, और उसको हम इस तरह से छोटा डॉट डालते हैं। और अगर ये एनलार्ज्ड है, अगर ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड है तो इसको हम एरो से, इरेक्ट एरो से डिनोट करते हैं या एक्सटेंडेड, एनलार्ज्ड एंड एक्सटेंडेड एरो से खींच के हम लेते हैं इस एरो को। तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। कोई भी चीज जो रोशनी दे उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या और या कोई चीज रिफ्लेक्ट भी करेगा तो उसको भी ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो डिमिनिश, उसको हम डिमिनिश्ड कहते हैं, और पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा सन बहुत दूर है उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एनलार्ज या एक्सटेंडेड एरो भारम में हो तो हम इसको एरो की शक्ल में बनाते हैं। उसके बाद इमेज, इमेज किसे कहते हैं? इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, द ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल, ऑप्टिक जो होता है लाइट की ब्रांच को ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिकल अपीयरेंस, रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? कोई किसी चीज की इमेज दिखाई दे रही है, प्रोड्यूस्ड द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट तो हमने क्या लिखा? द ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये दिखावे जैसी है, प्रोड्यूस्ड कब, तब कब बनता है? व्हेन लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर वो रिफ्रैक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाए, दो प्रोसेस यहां, रिफ्लेक्ट से भी इमेज बन सकती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट चाहे रिफ्लेक्ट हो जाए या रिफ्रैक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा, रिफ्लेक्शन से लाइट वापस आना, और रिफ्रैक्ट जो है जब मीडियम चेंज हो जाए और लाइट बेंड हो जाए तो उसको हम रिफ्लेक्ट कहते हैं। ये था हमारा इमेज किससे कहते हैं। तो उसके बाद अब हमें इमेज दो किस्म की है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ड्रा कर सकते हैं। रियल इमेज
कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन। तो इसको हम स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा स्क्रीन पे, इसको हम वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ड्रा नहीं कर, कैन नॉट ए कैट ड्रॉन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ड्रा नहीं कर सकते। दूसरी बात, रेज, इसमें रेज रियल इमेज में अच्छी तरह से मिलती है, हकीकत में मिलती है, रेज मीट्स इन रियल सेंस। तो इसमें रेज तो मिलती है असल में, इसमें दिखती है, आंखों का धोखा है, रेज अपीयर्स टू मीट, इसमें दिख रहा है, आंखों का धोखा है, जैसे रेज मिल रही है। जो ये वाली रियल इमेज कैसे हमें पता चलेगा, अगर हमें आम इंसान को आप कहेंगे रियल इमेज के, तो वो इरेक्ट होती है, ये इरेक्ट होते हैं, जब भी आपको कोई इमेज इरेक्ट दिखेगी तो आपके ना ये रियल इमेज है, जब भी कोई इमेज आपको इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टा हैंगिंग करके लटकाया हुआ अलवंत्र है, तो बंधु आपके ना वो वाली इमेज, सॉरी इसमें उल्टा हुआ, इसमें रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। जब हम आम शीशे में देखते हैं तो हमें इरेक्ट दिखती है शक्ल, हम खड़े, इरेक्ट मीन्स खड़े। तो इसकी एग्जांपल ये कहाँ पाया जाता है, रियल इमेज किस किस में पाया जाता है, और सिनेमा स्क्रीन तो आपने लिखा, लेकिन इससे अलावा कन के कन वैक्स मिरर, कन के मिरर, कन्वेक्स लेंस। अब ये वर्चुअल इमेज कहां पर पाई जाती है, इसका उल्टा, यहां कनकेव मिरर है, यहां लिखिए कन्वेक्स मिरर, ये आगे आपको पढ़ना, यहां कनके कन्वेक्स लेंस है, यहां लिखिए कनकेव लेंस। और आम जो हम हमारे प्लेन गिलास होते उसमें भी यही बनता है, लेटरल इन्वर्जन या इन्वर्जन, व्हेन लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट, जब दाया हमें बाया दिखे और बाया हमें दाया दिखे इमेज में, उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। हम दाया हाथ ऊपर खड़ा करेंगे मिरर में, हमें बायां दिखेगा, हम बायां हाथ खड़ा करेंगे हमें दायां दिखेगा, तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन। असल में जो ये ट्रांसफर होता है एंगल 180 डिग्री का होता है, व्हेन लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट इन इमेज। दिस फिनोमेना, इस कानून को, दिस प्रोसेस या फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ये ऑलरेडी ऊपर है। अगर हम देखेंगे कुछ वर्ड्स अल्फाबेट्स का लेटरल इन्वर्जन होता है, कुछ का नहीं होता है, अक्सर हमें इस्तेमाल कहाँ होता है, आपने एम्बुलेंस देखा होगा, इस तरह से दिखता है वो, एम्बुलेंस की गाड़ी पर ऐसे हमें दिखता है। तो जब इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, ये उल्टा 180 डिग्री पर घूमेगा, ये ए ही रहेगा, एम भी बिल्कुल ही ऑलरेडी वैसे, अब बी इस तरह, और यू सर और एल जो इस तरह हमें ला, ये जैसा इसको L बनेगा, और ये A, ये N बनेगा, ये C और E। जब भी हम मिरर से देखेंगे, गाड़ी चला रहे हम देख रहे पीछे, वहां हमें गाड़ी पर ये ऐसा लिखा है, लेकिन इसका लेटरल इन्वर्जन जब होगा
तो हमें ऐसा दिखेगा, तो इससे हम एम्बुलेंस को जल्दी जगह, अगर डायरेक्ट वो लिखते एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस, तो हमें नहीं दिखता,